हेलो स्टूडेंट्स, मैं उनका दोस्त सहायता अध्यापक बनवीर दयाल। आज मैं क्लास एट में सामान्य विषय में पुनः वे प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में आपने दो आधार पर वर्गीकरण कर लिया था। आज तीसरा और चौथे आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। देखो तीसरा क्या है, विकास की अवस्था के आधार पर हम मतलब विकास कैसे कर सकते हैं संसाधनों का, उसके आधार पर हम इन्हें दो भाग में बांटते हैं। पहला है संभावित, हमने एक डैम बना करके उसे सिंचाई एवं विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए इस भाखड़ा नांगल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो बांध हमारे लिए क्या है, एक ऐसा साधन है जिसे हम भविष्य में विभिन्न कार्यों के रूप में कर सकते हैं। ऐसे ही आणविक संस्था आज ये सभी संसाधन जो ऐसे है वो संभावित है कि हम अपने भविष्य में उनसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वास्तविक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रयोग में है या जो पहले से ही प्राचीन समय से ही मानव करता आ रहा है, ऐसे संसाधन वास्तविक संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि। ठीक है, कोयला का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के कारखानों में, रेल के इंजनों को चलाने में, पेट्रोलियम गैस का भी हम ऊर्जा के श्रेणी में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और चौथा वर्गीकरण क्या है, जो आधार है वह है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो हम जो चौथा आधार है वो संसाधनों का किस किस क्षेत्र में कैसे कितना अधिक उपयोग करते हैं उसके आधार पर हम इसका चार भागों में बांटते हैं। पहला है कृषि संसाधन, दूसरा है वन संसाधन, ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या, जो हम अपने किसानों के द्वारा जो भी खाने पीने की चीजें प्राप्त करते हैं उन्हें हम कृषि संसाधन के समय लाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, चना, गन्ना आदि, ये सभी कृषि संसाधन में आएंगे। और दूसरा है पशु संसाधन, पशु संसाधन दूध मांस से हमें पशु से जो दूध भी मिलता है हम अपने उपयोग में करते हैं, शरीर को हम पशु संसाधन के रूप में रखेंगे, सही कर लेंगे। और तीसरा है ऊर्जा संसाधन, ये सभी संसाधन जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैसे आपका ही यहाँ है कोयला पेट्रोलियम, ऐसे ही आपके लिए ऊर्जा संसाधन ऐसे हैं जो उपयोगिता के आधार पर इसी श्रेणी में रखे गए हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। और चौथा है खनिज संसाधन, खनिज संसाधन वो होते हैं जो हमें भूगर्भ से भूगर्भ के निकालने का अवसर मिलता है, और जो अयस्क या फिर लोहा है या फिर टाइम का जो कुछ मिलते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, जैसे संसाधन खनिज संसाधन के रूप में या खनिज संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आज भी आपने दो आधारों पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया, उनको भी अपने काम में लेके और उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।